अजनेरा क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर बिना पुलिस की परवाह किए घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला थाना अजनेरा का है, जब संजू बघेल नाम का व्यक्ति, जो कि गुड्डू चाहर का मैनेजर है, वह शराब के ठेकों पर हिसाब करने निकला हुआ था। तो वहीं संजू बघेल का कहना है कि साधन से बाइक पर अजनेरा की तरफ आते समय उसकी बाइक को कुछ बाइक सवारों ने गिरा दिया और पीड़ित से उसका बैग छीना। पीड़ित के अनुसार उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए थे। वहीं पीड़ित ने तुरंत अजनेरा पुलिस को सूचित किया। तो वहीं खबर सुनकर आगरा पुलिस कप्तान भी मौके पर पहुंच गए और जायजा लिया। वहीं अजनेरा पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर बयान ले लिया। वह जल्द ही शातिर लुटेरों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया। अजनेरा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। भैया आपका नाम क्या है? एक मिनट, संजू बघेल है। एक मिनट आप काम क्या करते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजू बघेल है। हाँ, क्या काम है तुम्हारा? मैं गुड्डू चार्जी के यहाँ मैनेजर था। अब जी कहाँ से आ रहे थे? मैं अभी अपनी दुकानों का कलेक्शन करके आ रहा था, कैश लेके आया था। शराब की दुकान है, लास्ट पॉइंट था मेरा साधन दुकान, वहाँ से मैं लेके पैसा आ रहा था। अजनेरा रेलवे फाटक के पहले ही मेरे साथ ये घटना हुई, कुछ बाइक सवार दो बदमाशों ने आकर के मेरा बैग छीन लिया। लोटों से भरा हुआ बैग था, लमसम 2.5 लाख रुपए थे उसमें। और मुझ में मेरी बाइक में लात मार दी, मैं गिर गया, तो मैं चोटिल भी हो गया, मेरी चोट भी आई है। तो ये किस जगह की घटना है? ये जो रेलवे फाटक है उससे करीबन 200 मीटर पहले। रेलवे के दो फाटक हैं? नहीं, वो जो मंडी के पीछे जो है साधन वाला फाटक है। हाँ, साधन वाला फाटक है। अच्छा जी, वहाँ पर घटना हुई है। तो आप कहाँ से रहे थे? मैं साधन से ही आ रहा था, दुकान से। कलेक्शन किस चीज़ का था आपका? वो शराब की दुकान है, शराब का पैसा खा दिया। तो यहाँ कहीं काम करते थे? मैं गुड्डू चार्जी का यहाँ मैनेजर था, बता तो रहा हूँ। उनकी शराब की दुकान है 12-14। तुम खाली कलेक्शन ही करते हो? हाँ, कल मैं सारा काम देखता हूँ उनका पूरा। जब मैं अभी सुबह सुबह यहाँ से पैसे लेके जाता हूँ दुकानों पर। ये बाद में तुम्हारे कहाँ से पीछे लगे थे? कोई ऐसा अंदाजा नहीं है खास कहाँ से लगे हैं। जब बाइक पे थे वो? वो भी बाइक पे थे। तो आपका पैसा गया सारा, लूट ले गए वो? हाँ, पैसा ले गए। फिर उसमें कुछ गाड़ी के भी पेपर थे, मेरी पर्सनल आईडी वगैरह रखी थी वो भी ले गए, और भी जो फर्म के हमारे कागज पत्र थे, रजिस्टर थे, डायरियाँ थी, वो भी उसी में खुली। तो वो किस साइड में भागे थे? रिटर्न हुए थे या सीधे निकला अजनेरा? सीधा भागे थे, और जब मेन रोड पर आने के बाद में तो भरतपुर साइड में भाग गए थे। फिर मैं वहाँ से किसी तरीके से उठ करके मैं थाने आया। थाने आकर मैं अपने तरह बताई कि ये मेरे साथ घटना घट गई है। तब यहाँ से गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी का कोई अंदाजा नहीं कौन सी गाड़ी थी। गाड़ी मतलब नंबर भी नहीं देख पाए आप गाड़ी का? नहीं, नहीं देख पाए। तो जिस समय वहाँ लूट हो रही थी कोई वहाँ मौजूद था? नहीं। ये तुम्हारी चोटें कहाँ से आई हैं? चोटें मेरे गिर जाने से चोटें आई हैं। उनके पास हथियार भी नहीं कुछ? हाँ, एक तमंचा था उनके पास में। उन्होंने तमंचा से मुझे मेरे ऊपर ताना भी था, लेकिन वो बैग उन्होंने छीन लिया, मैं गिर गया, उसके बाद फिर वो भाग गया। फिर आपने यहाँ पहुँच के फोन से सूचना दी थी थाने को? नहीं, फोन तो मेरा वहीं गिर गया, तो मिला ही नहीं मेरा फोन तो जब मैं गिर गया था। फिर वहाँ से लेकर आपको कौन आए? मैं खुद ही आया था बाइक से। बाइक से? अपनी बाइक से ही आए थे? जी जी।